मांझी जी का बयान एकदम ही निराधार और घिनौना है कि बिहार के प्रतिपक्ष के नेता पे शराब सेवन का आरोप लगा दिए, शराब तस्करी का आरोप लगा दिए। मुझे लगता है कि जीतनराम मांझी जी के बेटा खुद सेवन करते होंगे। सत्ता संरक्षित शराब का तस्कर हो रहा है, तस्करी बढ़ गया है, यह जीतनराम मांझी स्वीकारे हैं, नहीं पकड़ सकते हैं क्योंकि शराब बेचने और बेचवाने वाले सरकारी पक्ष के लोग हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कुमार। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने तेजस्वी यादव के ऊपर बड़ा आरोप लगाया। तेजस्वी यादव के ऊपर जीतनराम मांझी ने कहा कि शराब का सेवन तो करते ही हैं, साथ ही साथ सप्लाई भी करवाते हैं। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ हैं, बात करेंगे। कैसे देखते हैं मांझी जी के इस बयान को आप? मांझी जी का बयान एकदम ही निराधार और घिनौना है कि बिहार के प्रतिपक्ष के नेता पे शराब सेवन का आरोप लगा दिए, शराब तस्करी का आरोप लगा दिए, तब जब वो सरकार जीतनराम मांझी जी की चल रही है। तो मुझे लगता है कि जीतनराम मांझी जी के बेटा खुद सेवन करते होंगे, तो आरोप लालू जी के बेटा पे लगा दिए, लेकिन तस्करी हो रही है ये भी तो जीतनराम मांझी जी स्वीकार किए। तो जीतनराम मांझी जी बनाए कि उनका मुख्यमंत्री लंगड़ी सरकार क्यों चला रही है, जो उनके नेतृत्व सरकार के हिस्सा में उनका बेटा मंत्री है, मुख्यमंत्री 9 बार बने हैं, 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, भाजपा सत्ता में है। तो सत्ता संरक्षित शराब का तस्कर हो रहा है, तस्करी बढ़ गया है, यह जीतनराम मांझी स्वीकारे हैं। तो जीतनराम मांझी उस तस्करी के आमदनी लेते हैं कि नहीं? JDU लेता है और भाजपा लेता है, उनको मिलता है, आमदनी लेता है शराब। शराब सरकार संरक्षित शराब तस्करी हो रहा है, तो आखिर नाजायज पैसा किसी को तो मिलता ही होगा ना, किसको मिलता है? तो सरकारें ना लेता होगा, सरकारें का आदमी लेता होगा, JDU भाजपा जीतनराम मांझी चाहे उनके लोग लेते होंगे। तो इसकी जांच करना उनका काम है। अगर विपक्ष के नेता पे आरोप लगाए हैं तो मैं दावे के साथ चुनौती देता हूँ कि हिम्मत है तो जांच करके पकड़िए, नहीं पकड़ सकते हैं क्योंकि शराब बेचने और बेचवाने वाले सरकारी पक्ष के लोग हैं। पिछले दिनों उन्होंने यह भी कहा कि थोड़ी थोड़ी शराब पीनी चाहिए, साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि सफेद पोश वाले जो है शराब का सेवन करते हैं और वो पकड़े नहीं जाते हैं, पकड़ाया जाता है गरीब और असहाय लोग। नहीं, कभी कभी उनका जुबान फिसल जाता है सत बोलने के लिए, वो तो हमेशा कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा पिया करो, 8 PM छोड़ के 10 PM में लिया करो। तो जीतनराम मांझी जी कहते थे, आप कहते हैं कि सफेद पोश भी लेता है, पकड़े नहीं जाता है। सफेद पोश किसको हम लोग कहते हैं? मुख्यमंत्री को, केंद्रीय मंत्री को, MLA को, MP को, यही सफेद पोश हुआ। तो वो अपने केंद्रीय मंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, बेटा उनके मंत्री हैं, अब बहू को टिकट दे दिए, तो इससे बड़ा सफेद पोश वाला परिवार वो खोज के लाए जो कौन सेवन करता है। अगर उनके घर में है तो वही बताएंगे जो कौन सेवन करता है, तो हम नहीं बता पाएंगे। अच्छा, बिहार विधानसभा के 4 सीट पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन महागठबंधन के द्वारा लिस्ट जो है वो जारी कर दी है और नामांकन भी हो गया है, चुनाव प्रचार भी होने वाला है। कांग्रेस को 1 सीट भी नहीं मिली है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावना थी, अपने भावना से भी प्रदेश अध्यक्ष को अवगत कराया था कि जब भी चुनाव होता है तो पार्टी पार्टिसिपेट होना चाहिए। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में जो हम 70+ सीटें लड़े थे, उसमें मेरा कोई सीट नहीं था। इमामगंज भी RGD लड़ी थी, करारी माले लड़ा था, जो MLA था वही MP हो गया है। बक्सर में भी देखोगेगा जो यहाँ वो भी जो MLA था वही MP हुआ है। तो बाकी सभी जगह जो MLA थे वही MP हो गए। तो परंपरागत सीटें या वर्तमान में वो सीटें हमारा इंडिया गठबंधन के साथी के पास था, तो ऐसे में अतिक्रमण करना उचित नहीं होता। तो हम सब मिलकर उस 4 सीट को जिताएंगे और फिर NDA को हराएंगे। क्या महागठबंधन में अगर सब चीज ठीक है तो कोई टूट फूट नहीं है? ना, इंडिया गठबंधन में यानी कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, बड़ी मजबूती से ठीक है। चुनाव से पहले भाजपा और मीडिया में चर्चाएं होती है जो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ नहीं है, सब ठीक था। जो लोकसभा चुनाव में परिलक्षित हुआ, राहुल जी भी आए तो कांग्रेस के भी सीट पे गए, RGD के सीट पे भी गया, माले के भी सीट पर आए, आपने देखा बिल्कुल। और संजोग से उस दिन आए, आखिरी दिन वो 3 सभाएं की और तीनों सीट हम जीते। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन में बेहतर समन्वय है और हम सबों की इच्छा है कि जन विरोधी NDA की जो सरकार है बिहार में नीतीश कुमार और देश में नरेंद्र मोदी, उनको परास्त करें। एक आखिरी सवाल लेंगे, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से ये सवाल किया गया कि झारखंड में चुनाव है और क्या चुनाव प्रचार में आप जाएंगे, और उन्होंने ये भी कह दिया कि हम
हम लोग चुनाव जो है जीत रहे हैं। देखिए लालू प्रसाद यादव जी शत प्रतिशत सत्य बात बोले हैं कि झारखंड में जो चुनाव चल रहा है उस चुनाव का परिणाम इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएगा और हेमंत सोरेन जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उसमें चार चांद तब और लग जाएगा जब लालू प्रसाद यादव जैसे वयोवृद्ध बड़े नेता, उन्होंने कहा है कि हम आएंगे झारखंड में प्रचार करेंगे तो उसमें चार चांद लग जाएगा। हम तो उनसे आग्रह करेंगे कम से कम जिला वाइज आप एक एक मीटिंग कर दीजिए ताकि हमारे प्रत्याशी का जीत का अंतर बढ़ जाए और दो तिहाई से इंडिया गठबंधन की सरकार बने। चलिए, ये थे हमारे साथ है कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़, जिन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, खबरों के साथ बने रहें। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें। धन्यवाद।